हाय लोग, कैसे हो जी आप लोग। स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो भाई अभी मैं हूँ साई नगर शिरडी में और आज की जर्नी हमारी जो है यहाँ से सूरत तक होने वाली है, वो भी GSRTC के एक्सप्रेस बस के साथ। तो हमारी जो गाड़ी का टाइमिंग यहाँ से खुलने का है वो है 6:30 को। तो जैसे ही हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगती है तो आपको दिखाते हैं और जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और भाई ये रहा जी शिरडी का बस स्टैंड। अभी देखो बसें भी लगी हुई है, गुजरात की, महाराष्ट्र की तो हो गई, बाकी मध्य प्रदेश की भी बसें लगी हुई है। और इधर देखो आप क्या नज़ारा यार, क्या बिल्डिंग बना रखा है। और साफ सुथरा देखो आप, एकदम मस्त, कहीं भी कचरा आपको दिखाई नहीं देगा। बस इधर जो है प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, तो जो जितनी भी गाड़ी जाती है प्लेटफॉर्म पर आके लगेगी, फिर वहाँ से जाएंगे। उधर बैठने के लिए भी बना हुआ है देखो। तो भाई हो रही हमारी बस जो अभी आके लग रही प्लेटफॉर्म पर। तो भाई ये रही जी हमारी बस आज की जर्नी का। देखो लिखी हुई है अंकलेश्वर से सूरत, मतलब उल्टा। तो भाई ये रही जी हमारी आज की जर्नी का बस। देखो ऊपर लिखी हुई है ST गुजरात नर्मदा डीलक्स एक्सप्रेस, और नीचे लिखी हुई है शिरडी से अंकलेश्वर, मतलब सूरत तक जाएगी और सूरत के बाद अंकलेश्वर जाएगी। तो ऐसा कुछ है रूट होने वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल के। ये देखो रूट होने वाली है मल्लेगाँव, नवापुर, सोनगढ़, बाडोली, सूरत। तो इतना रूट होने वाली है आज का। तो भाई ये रही जी हमारी आज की जर्नी का बस शिरडी से अंकलेश्वर, और इसकी रूट जो होने वाली है ये देख लो आप, मल्लेगाँव से लेकर नवापुर, सोनगढ़, बाडोली, सूरत, ऐसा है। और ऊपर ST गुजरात तो लिखा ही रहेगा, नर्मदा डीलक्स एक्सप्रेस। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं जर्नी की शुरुआत। भाई साहब हम निकल चुके हैं शिरडी से, और जब मैं चढ़ा तो गाना बज रहा था, तो मैं आपको दिखाने पाया था से। बाकी ये देखो ऐसा कुछ है, 3x2 का सीट है, इधर 3 है और इस तरफ 2 है। और सीट भाई साहब कंफर्टेबल है, एकदम कंफर्टेबल, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम कमर अकड़ गया या फिर पीछे में दुख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वैसा है, ऊपर सामान रखने वाला भी है। और आगे देखो ना, टाइम भी बता रहा है वहाँ पर, डिजिटल घड़ी भी लगी हुई है इसमें। और एक अच्छी बात है कि इसमें जो है सीट बेल्ट भी लगा हुआ है, तो भाई साहब मानना पड़ेगा। बाकी नज़ारा दिखाते हैं आपको, बारिश तो शुरू हो चुकी है और ये रूट में ना अलग मज़ा आने वाला है। और ये टिकट देख लो आप, शिरडी से सूरत सेंट्रल बस स्टेशन, हालांकि जो गाड़ी है जाएगी अंकलेश्वर तक और एक दूरी कवर करेगी सूरत तक 353 किलोमीटर, इसका फेयर है 470 रुपया। तो भाई साहब वीडियो बने रहेगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये रूट है ना मल्लेगाँव वाली, बहुत ही शानदार है, और साथ में बारिश हो रही है, तो बारिश में तो जर्नी का मजा दुगना हो जाता है। बने रहेगा, दिखाते हैं जर्नी। भाई साहब ये देखो भाई साहब क्या नज़ारा है, और ये तो अभी टेलर है, अभी देखते जाओ। तो भाई ये रह गई जी मालेगांव। देखो ना पूरी जो बस है महाराष्ट्र के लगी हुई, और सिर्फ एक जो देख रहे हो आप, ये हमारी बस है गुजरात वाली, और इधर रहा MP वाली। हमारी गाड़ी जो यहाँ आई है 8:53, लगभग आधे घंटे की देरी से, यहाँ पे आने का टाइम था इसका 8:30। भाई साहब स्टेशन के अंदर का नज़ारा देखो आप, कितना कचरा है यार, पूरी जो है ना गंदगी फैली हुई है, क्या ही दिखाऊँ मैं यहाँ पर। तो चलिए जी डिपार्चर यहाँ मल्लेगाँव से, बस 5 मिनट रुके।
भाई उधर है हमारी बस, एक छोटा सा ढाबा है देखो, इधर हमारे ड्राइवर साहब खा रहे हैं। मैंने लिए पाव बड़ा, देख लो ना दो बड़ा बड़ा का है, तो खाते हैं फिर जर्नी को शुरू करते हैं। देख ही रहे होंगे, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना। अभी तो और बाकी है, तब आने वाली है प्यारा, उसके बाद सोनगढ़, उससे होते हुए सूरत तक जाएगी। हाँ भाई मज़ा आ रहा है जर्नी में, सच बताना कैसा लग रहा है। तो अभी हमारी गाड़ी जो है ना होटल पे आकर रुकी है एक, और यहाँ से सोनगढ़ जो है 10 से 12 किलोमीटर होगा, तो यहाँ से खाना वाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हमारी गाड़ी चल जाएगी सोनगढ़, सोनगढ़ होते हुए बडोली, बडोली होते हुए सूरत की ओर। तो यहाँ से सूरत है मात्र 100 किलोमीटर है, तो लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि रास्ता एकदम क्लियर है, एक्सप्रेस वे चल रहे हैं। आज जो एक्सप्रेस वे देखो ना, इसे बोलते हैं ग्रेट वेस्टर्न एक्सप्रेस वे, जो कि बिहार तक जाएगी और हमारी गाड़ी आएगी सूरत तक। तो चलिए खाना वाना खाते हैं, ऐसे मुझे भूख नहीं है, तो जो लोग खाना खा रहे हैं वो खाएंगे, उसके बाद हमारी गाड़ी यहाँ से डिपार्च होगी। तो ये रहा होटल, यहाँ पे खाना वाना खा सकते हो भर पेट, जिसे भी खाना चाहते हो, हल्का फुल्का भी, हल्का फुल्का भी, भर पेट तो भर पेट भी, और स्नैक्स वगैरह, पानी की बोतल वगैरह, ठंडा वगैरह कुछ भी पीना तो यहाँ से ले सकते हो, तो सभी चीज़ का व्यवस्था यहाँ पर है, और एक नंबर दो नंबर भी कर सकते हो उस तरफ जाके, उस तरफ टॉयलेट वगैरह बना हुआ है। खैर मैं एक लेज लिया, लेज नहीं मतलब क्या बोलते हैं इसको यार, बोलते हैं इसे चिप्स, हाँ लेज नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे है ना गुजरात में बहुत सारा चलता है, जब इधर आओगे आप हर मतलब स्टॉप पे यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी इधर से देख रहे हो आप क्या नज़ारा है, ट्रकें देखो आप। देख लो भाई क्या हाल हो चुका है। ए भाई साहब रोड कहाँ गया, लो ये
भाई जी ये आ गए हम गोल्डन पॉलीलेटरल पे ऊपर हाईवे जो है, और यहाँ से देख लो आप भीड़ कितनी लगी है, जाम देख रहे हो आप कितना दूर तक है भाई साहब, नज़ारा देखो आप। अरे तो ये आ गए जी हम सूरत, और एकदम राइट टाइम पे, टाइम दिखाता हूँ मैं आपको, देखो 4 बजे है। तो इधर ऐसा कुछ मॉल है, और बाहर देखो कचरा, ओ भाई साहब। बाकी स्टेशन बहुत ही छोटा है, जिस हिसाब से आपका पॉपुलेशन है ना उस हिसाब से बहुत ही छोटा स्टेशन है, इसलिए देख रहे हो आप बसें एकदम चारों तरफ खड़ी है। देखो कितनी बसें, एक दो बसें तो बाहर तरफ खड़ी है, ऐसा कुछ स्टेशन है सूरत का बस वाली। तो चलिए भाई वीडियो समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपसे ऐसे इंजेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।